मैं बेनती करा जिहड़ा वर्तमान हुण समां चल रहा है, एक पासे महामारी का जोर बोलबाला आ, पिछले दिन तुसीं देखिआ है भारत सरकार वल्लों जिन्ने इत्थे शरीर बैठे सारे जिमीदार घराणे दे आ, ठंड दे दिन ने ते बेचारियां ते पानी दीआं बाछड़ां पा रहे ने, रस्ते बंद कर रहे ने, डांगां मार रहे है, किन्नी मंदभागी घटना। भारत मुल्क जिहड़ा हिंदुस्तान कहा गया, भारत मुल्क भी कहा गया, इस देश का जिहड़ा ताज है ना वह किसान है, साढ़े मन का भुलेखा होगा। पर याद रखिए चाहे वह प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वह CM है, चाहे वह आम मिनिस्टर है, सारिया के सिर का सरमाया किसान है। प्रधानमंत्री बनाने वाले किसान ने, स्टेट के CM बनाने वाले किसान ने, पिंडा च गड़े मारन वाले मंत्रियों बनाने वाले किसान ने, और भारत का जिहड़ा ताज है वो केवल तो केवल किसान है। अज जेकर इन्हां किसानां नूं धक्का करांगे, साडे इक देश का नारा है, बच्चे भी गाउंदे आए आ, जय जवान तो जय किसान। जवान बार्डरां ते विचारे शहीद हो रहे आ, तो किसान विचारे सड़कां ते लगे नारे लाउण, जां तां नारे ना लाओ जय जवान जय किसान। हुण देखो बाबे नानक ने 76 साल की उम्र में श्री करतारपुर साहब की धरती ते हल वाया कि नहीं वाया, दसो मैनू वाया ना। जिहड़े लोग करतारपुर साहब गए ने संगत जी, उन्हां लोकां ने उत्थे जा के उस पवित्र खूह दे वी दर्शन किए जिन्हां तो साडा बापू वाई करदे सन, पाणी वरतदे सन, ते गुरु अंगद देव साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े साल वाई करदे रहे, बाबे बुढ़े भी वाई कीती नाल, गुरु अंगद देव साहब जी खेती करदे रहे, बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी उत्थे पहरा दिंदे रहे। करतारपुर तो लंगर की प्रथा जो जो लंगर है गुरमत संगत ते पंगत की जिहड़ी गल है ना, वो श्री करतारपुर तो शुरू हुई है, और संगत जी प्रचार भी करतारपुर तो शुरू होया है। और याद रखिए खेती का भी कार्य जिहड़ा करतारपुर श्री करतारपुर साहब तो शुरू होया है। असीं उस नानक दे धीआं पुत्तर जिस नानक ने सानूं सिखाया कीर्त करो, नाम जपो तो वंड के सको। मैं हैरान हाँ, एक पासे किसाना मोर्चा लाया, दूजे पासे पुलिस वाले आवाजा मार के कहिंदे प्रसादा छक लो, किड्डी वड्डी दलेरी है। एक पासे मोर्चा लग्या, पुरातन सिंघां वी जदों मुगलां दे टाइम दे विच हकूमत नाल जंग लगदी सी, सारा दिन जंग लगनी, शाम नूं टुट हार के घोड़ियां दे काठियां तों उतर के सिंघ जदों लंगर वरतांदे हुंदे सी, कहिंदे हुंदे सी आ जाओ सवेरे लड़ लांगे, लंगर छक लो, गुरु नानक दा लंगर तैयार है। अज भी मैं देखता पिया वीडियो देखण दे मुंडे विखाउण दे, एक बजुर्ग कहिंदा है मोर्चा सवेरे ला लाँगे पुत, तुसीं पुलिस वाले जिन्ना भी पहले लंगर छक लो, लंगर बरतन दिया वा है ना दलेरी। तो मैं भारत सरकार नूं छुट्ट गवर्नमेंट नूं अपील करदा कि इन्हां नाल माड़ा ना करो, इन्हां दी जिहड़ी फरियाद है उहनूं स्वीकार करो, जे किसान रुल गया देश बर्बाद हो जाणा जी। चाहे वह कोई भी है, भारत मुल्क दा सरमाया ताज, मिनिस्टरां दा ताज साडे किसान वीर ने। मैं भी किसान दा पुत्तर, मैं एडे वड्डे घर चों नहीं, निक्के जे परिवार तों, साडे बजुर्ग भी जदों लुधियाणी पिंड लाहौर जिले दे विचों तुरे सन, तुसीं भी छुण छुण के वड्डे होए, कोई कड़े पिंड दा, कोई कड़े पिंड दा। जदों पाकिस्तान छड के अपने बजुर्ग सारिआं दे बजुर्ग आए उधरों, तो मैं भी छुण छुण के एडा हो गया, मैं तुहाडीआं दाढ़ियां भी चिट्टियां हो गईआं छुणदे छुणदिआं। जदों बजुर्गों को बह के सुनदा हुंदा ना भी पाकिस्तान चों आए खाली हथ आए, किसी को बकरी सी, किसी को मझ सी, किसी तो गड्ढा सी, कहिंदे इन्ने हालात माड़े सी, परिवार नूं बचाउणा भी औखा है, भी किद्दां जाके उत्थे बछेबा करना वा। दुध पीण वास्ते नहीं सी, रोटी खाण वास्ते नहीं सी, इधरों गड्डियां वढ के उहनूं घल्लदे सी, उधरों वढ के उहनूं घल्लदे सी, बेचारे तुर तुर के आए, दरिया पार करके आए। साडे बजुर्ग दसदे कि दरिया पार किते, अज तां नहर टप्पणी बड़ी औखी है, कोई नहर दे विच नहीं वड़ सकदा, वह दरिया पार करके आए। तो जदों इत्थे आए, तुसीं वी, तुहाडे बजुर्ग भी जिन्ने इत्थे माई भाई बैठे जां सुन रहे,
मैं भी सुन सुन के वड्या होया, अज भी दिल तड़फदा कि अपने बजुर्गों का पिंड जाके लल्याणे वेख के आईए पाकिस्तान। तुसीं भी तुहाडे मन च भी आंदा, साडे कई बच्चे ने जिहड़े पाकिस्तान जाके अपना पिंड देख के आंदे ने, बड़ा अपने आप नूं भागां वाला समझदे। साडे बजुर्गों का नगर सी, बड़े अमीर सन, बड़े रा गुरु साहब की कृपा सी। महाराजा रणजीत सिंह वेले दे विच रहे, गुरु पीरां नाल रहे साडे बजुर्ग। तो संगत जी जदों इधर आए ना, तो मैं मांडी की गल कर ला, इतने कट्टा उड़दा हुंदा सी, जंगल सी सारा, इतने पुराने बजुर्ग बैठे उन्हें वेखे होना। मुड़ियां पट पट के ललियाणी तो सफ़र करके मान लो मांडी तक आए, तो साढ़े बजुर्ग वक्ो वक् पिंडा चो बछेबा करके हरियाणे दे जिथे जिथे भी बछेबा किया, पंजाब दे जिथे ते बैठे है सिख, चाहे बाहर बैठे है बाहरलियां कंट्रियां दे विच, दिल उन्हां दा भी अज पूरा बदलुंदरिया भरिया है कि साढ़े बजुर्गों ने मुड़ियां पट पट के भुखन पाने धुप्पे अपने पिंडे शरीर छाड़ छाड़ के जमीना बनाईया। जमीना इन्हां लोकां नूं की पता है, अज राज करदे है कि ये जमीना किदा बनिया, किदा इन्हां बेचारियां ने अपने पिंडे छाड़े, अपने बच्चों सुख दिता, अपने बच्चों शटल किया, खाली हथ आ के एक हिंदुस्तान दे विच आ करके भारत आ करके अपने परिवार अपने बच्चों शटल कर देना, इंदू वड्डी गुरु नानक की कृपा और की हो सकती है। संगत जी खाली हथ आ करके अपने परिवारों विदेशों में छट कर देना, तो इन्हां जमीना बंजर कलर जमीना वाह करके अपने रोटी अपने कोठियां अपनी जायदाद बनाईया, यदा मतलब साढ़े ते बाजा वाले की साढ़े ते गुरु नानक की रहमत है। और सच जे अज तुरे फिरते हैं ना, तो बाबे नानक की कृपा ने साढ़े साढ़े पैरों तो उंझी जंजीर वजिया वा, सिख नाम तो ही सारा कमदे आ। जदों भी मार पई है बेचारे सिखा नूं पई है, इतिहास की घटना है, सिखा ने 18 बार दिल्ली जीती है, तो दिल एडा दलेर है कि 18 बार दिती लै जो, लालच नहीं है इन्हों, ना ताजां दा ना संगत जी चौधरां दा, सिर्फ अपने गुरु का भरोसा रखते ने, अपने गुरु का छिदक रखते ने, शबर रखते ने। मैं फिर बेनती करां कि साड़ियां सरकारां नूं जिम्मेदारां दा जिहड़ा मता है वह मनना चाहिए और फतेह होना चाहिए। तुसीं सारे अरदास करो जिस मिशन वास्ते बेचारे दिल्ली पहुँचे वह फतेह होवे। गुरदेव कृपा करे, आओ अपने बजुर्गों नूं अपनियां पुश्तां नूं हमेशा याद रख्या करो, अपने पिछोकड़ नूं कदे ना भुल्लियो। जिहड़े लोग अपने पिछोकड़ याद रखदे वह हमेशा महान बनदे, जिहड़े भुल जांदे वह पर बंदे थोड़ा हुंदे ने। सियाणे आंदे जिहड़ा जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाए वह कौम नहीं हुंदी, जिस मकान की नींह बह जाए वह मकान नहीं रहिंदा। जिहड़ी कौम नूं जिस मनुख नूं अपना पिछोकड़ भुल जाए तो संगत जी वह मनुख मनुख नहीं रहिंदा, शैतान हो जाता। अपने बैकपैक नूं अपनियां हर चीज़ नूं याद रखो कि असीं की चीज़ हाँ, की करदे फिरदे हाँ, कित्थे खलोते हैं। अपने बजुर्गों नूं हमेशा याद रखो। सो बजुर्गों तो सुनते सुनते अज भी दिल दे विच उही चीज़ां याद आउंदियां, उही सीन तस्वीर उतर जाती है जदों कहिंदे इदां दरिया टप्पे, इदां चले, इदां परिवार सी साडा नाल, अज देखो रब ने भाग लाए ने। सो मेरी अकाल पुरख दे चरणां च बेनती, मारग किसान भरावां दी जित बख्शे।